रीवा शहर में स्थित प्रसिद्ध नृत्य राघव शरण मंदिर में हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि नृत्य राघव शरण मंदिर में घोघर में हिंदी साहित्य सम्मेलन एवं कवि सम्मेलन शरद पूर्णिमा महोत्सव रामलीला मैदान में मनाया गया, जहां कवि सम्मेलन में रीवा पहुंचे कवियों का साल एवं श्रीफल से आयोजित समिति द्वारा उनका सम्मान किया गया। मानस मंडल के अध्यक्ष सुभाष पांडे द्वारा यहां पर कार्यक्रम का दीप पूजन का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर शहर के गणमान्य नागरिकों के साथ वरिष्ठ जन मौजूद रहे और वहां पर आयोजित कवि सम्मेलन का हिंदी साहित्य सम्मेलन का भरपूर आनंद उठाया। राधा का ही है कन्हैया, सारी दुनिया ये कहेगी, जब तलक कान्हा रहेगा तब तलक राधा, जब तलक कान्हा रहेगा तब तलक राधा, जब तलक कान्हा रहो जाओगे बंधु, विष पान करोगे तो यम धाम जाओगे, अब बुरा काम करोगे तो बदनामी हाथ होगी, नेक काम करोगे तो यश नाम पाओगे, और देश हित मरोगे तो फूल मालाएं मिलेगी, प्रभु नाम जपोगे तो प्रभु धाम जाओगे। किंतु ये तो बात आप कान खोल सुन ले कि मतदान करोगे तो कुछ नहीं पाओगे। मुझे आता नहीं, लेकिन दिवाली के पटाखों पर जो ममता मुफलिसी में वो त्योहार लगता हो, दरख्त की छांव से जो बुजुर्ग देते दुआएं हैं, उनके पैरों को छू करके वही सत्कार लगता हूँ, वो हंसता है तो हंसते दो मुझको फिक्र नहीं, मैं शेर शहीदों पे हर बार लिखता हूँ, और जिन शहीदों ने लौटा दी अपनी जान देश पर अपनी कलम से उनको मैं आभार लिखता हूँ। हाँ, मैं खुद ही कहता हूँ अंगार लिखता हूँ। समर्पित करती हूँ मंच राम भक्ति राम शक्ति, राम का तू ध्यान धर, राम भक्ति राम शक्ति, राम का तू ध्यान धर, राम भजले राम जपले, राम का गुणगान कर, राम बाहर से आने वाले बड़े बड़े कवियों को करते हैं, और समंदर और बड़े पर्वत से भी टकराना पड़ता है, वो जितने राह में ठोकर तो ठोकर खाना हुआ पड़ता है, वो जितने राह में ठोकर तो ठोकर खाना पड़ता है, महल में रह के यूं ही राम तो बनता नहीं कोई, वाह वाह, महल को छोड़ के नंगे पांव जंगल जाना, वाह वाह वाह, महल को छोड़ नंगे पांव जंगल जाना पड़ता है, और जो जो है मझधार में उसके लिए पतवार बन जाओ, जो है मझधार में उसके लिए पतवार बन जाओ, जो सबको तारती है गंगा उसकी धार बन जाओ, जो सबको तारती, जो रामचरित महाराज हमको मिली तो किसी कवि की देन है, तो ये कवियों को निश्चित रूप से साहित्यकारों को बुलाना चाहिए, क्योंकि इसकी वीरतावली कौन लिखेगा, आगे लोगों को कौन बताएगा, तो ये साहित्यकार ही ना साहित्य की बात इतिहास की बात बताते हैं, तो ज्ञान के लिए ये कवि सम्मेलन को हमने जोड़ा, साहित्य सम्मेलन हिंदी साहित्य विमर्श हो, और राम कथा को भी जोड़ा, रामलीला रात को होती है दोपहर में राम कथा भी होती है, और ये आ जाती है शरद पूर्णिमा, तो हमने कहा शरद महोत्सव भगवान ने इस दिन रात रचाया था, तो हम सबके साथ मिले, तो शरद पूर्णिमा का भी आयोजन विगत 5 वर्षों से हमने उसमें जोड़ा, हमने तो व्यवस्थाएं हैं, मेहनत करते हैं, टेंट पंडाल तब ये लगा, व्यवस्थाएं हैं, तो ये 4 रामलीला के साथ 3 आयाम इसमें और जोड़ के इसको विशाल बनाया गया, और आप तमाम ये सारे लोग आते हैं तो ये आयोजन गौरवशाली बन जाता है, अव्वल आएगा। ये प्रयास जो दूसरी बार है कवि सम्मेलन, जैसा आपने बताया 184 वर्षों से चलती रामलीला में दूसरी बार इस मंच पर कवि सम्मेलन हो रहा है, आने वाली 5वीं बार के जब हम कवि सम्मेलन में जाएंगे तो लोगों की भीड़ ऑटोमेटिक आने लगेगी, जिस तरह का कवि सम्मेलन लोगों ने सुना, जितने लोग थे उन्होंने इतना बेहतरीन ढंग से सुना कि आनंद आ गया, और रीवा की पावन धरती को प्रणाम कर रहा हूँ मैं। आमतौर पर हिंदी भाषा का उपयोग कम होता है, उर्दू भाषा का कवि सम्मेलन में रहता ही है, क्या ऐसा
नहीं, ऐसा तो नहीं है। उर्दू और हिंदी दरअसल एक दूसरे से अलग नहीं है, ये दोनों हिंदुस्तान की जबान है, हिंदुस्तान की भाषा है। तो हम अपनी आम बोलचाल की भाषाओं में उर्दू का प्रयोग करें, हिंदी का प्रयोग करें, तो अलग है ही नहीं है, हैं एक साथ ही। हम कोई भी बात बोलेंगे मन में ख्याल तो उर्दू के भी आएंगे ना, जो बात जो भाषा हम बोल रहे हैं। तो बात है, ऐसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा कम, हिंदी भी प्रयोग में है, उर्दू भी प्रयोग में है। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, बहुत ही जो नृत्य राघव मंदिर द्वारा गौरवशाली जो यहाँ का इतिहास रहा 184 वर्षों का, जो यहाँ नित्य निरंतर रामलीला की प्रस्तुतियाँ होती रही हैं, और ये साहित्यिक गतिविधियों से भी जो जोड़ा गया है आज के इस कार्यक्रम को, तो ये आगे ही इसकी यात्रा निरंतर चलती रहे और आदरणीय सिद्धार्थ जी इस परम्परा को यूँ ही कायम रखें, और हम सभी की शुभकामनाएँ। और बहुत ही अच्छा लगा आके यहाँ पर, बहुत बहुत धन्यवाद। उसमें उनका सबका यहाँ पर बहुत स्वागत हुआ, सम्मान हुआ। उसमें श्रीमती प्रतिभा पटेल जी आई जबलपुर से, उसमें हमारे शिवम भगवती जी आए इलाहाबाद से, उसमें सतना से रविशंकर चतुर्वेदी राष्ट्रीय स्तर के कवि हास्य कवि आए। इस पूरे कार्यक्रम का संचालन सिद्धार्थ श्रीवास्तव युवा समाज सेवी ने किया, और रफीक रिवानी इसमें शायर रहे। ये बहुत अच्छा आज का आयोजन, विचार विमर्श साहित्य पर और कवि सम्मेलन, ये अपने आप में एक अनूठी और अनोखी पहल है, और बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय पहल है। इस तरह के कार्य से नई पीढ़ी, नए समाज के लोगों को, युवा पीढ़ी को साहित्य के बारे में जानकारी होगी। हमारे देश में, हमारे समाज में कितने बड़े बड़े साहित्यकार हुए हैं, उन्होंने क्या क्या लिखा है, क्या क्या हमने उनको पढ़ा है, ये नई पीढ़ी को जानना ज़रूरी है। मीरा, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, रस खान, रहीमदास, रहीमन पानी राखिए, पानी गए न उबरे मानस। बिहान हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आपके अच्छे स्वास्थ्य हेतु समर्पित सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल। बिहान हॉस्पिटल में स्त्री रोग, कैंसर, मेडिसिन एवं कैंसर सर्जरी, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हृदय रोग, ऑर्थोपेडिक, जनरल मेडिसिन, बाल चिकित्सा, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी, प्लास्टिक सर्जरी संबंधित सभी बीमारियों के उपचार की सुविधा उपलब्ध है। बिहान हॉस्पिटल में इमरजेंसी एम्बुलेंस, पैथोलॉजी, फार्मेसी, डायलिसिस, 2D इको, छाती की जांच, सोनोग्राफी, PFT, फेफड़ों की जांच, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में मेडिक्लेम इंश्योरेंस, कैशलेस सुविधा, आयुष्मान भारत कार्ड धारी को सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध है। हमारा पता है NH7 होटल लैंडमार्क के पहले रतहरा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें हेल्पलाइन नंबर 90 74 51 46 14।